स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट गवर्नर जनरल, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है। अभी तक हम लोगों ने इलैबोरेटली कवर किया है कि हाउ ब्रिटिशर्स कैरिड आउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ आवर कंट्री। एनी कॉन्क्वेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ आर यू गोइंग टू रूल दिस टेरेटरी। एंड फॉर दैट पर्पज़ हमने देखा था कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और उनकी बनाई हुई ड्यूअल गवर्नमेंट, उसकी वजह से जो बखेड़े खड़े हुए, हमने उसको इलैबोरेटली कवर अप करके रखा था। इनफैक्ट लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ही ब्रिटिश होम गवर्नमेंट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरफियर इन टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देर आफ्टर हमने वेलेस्ली को भी कवर अप किया, हेस्टिंग्स को भी कवर अप किया। एंड वॉरन हेस्टिंग में हमने देखा था कि कैसे डिस्ट्रिक्ट बिकेम द पाइवोट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वॉरन हेस्टिंग कैरिड आउट इलैबोरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिफॉर्म। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिफॉर्म मतलब क्या, देन ऑब्वियसली रेवेन्यू साइड, जुडिशियल साइड इलैबोरेटली डेवलप करने का काम वॉरन हेस्टिंग ने किया हुआ था। देर आफ्टर हम लोगों ने इवन कॉर्नवालिस भी कवर अप किया। एंड कॉर्नवालिस तो सबसे सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। वी हैड सीन कि ही वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, बिकॉज अमेरिका हाथ से जा चुका है एंड इंडिया में ब्रिटिश रूल परपेचुएट करना है। दैट्स व्हाई कॉर्नवालिस इज द बेस्ट पॉसिबल एंटिटी, बिकॉज ही गॉट डिफीटेड इन अमेरिका एट द हैंड ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन इन बैटल ऑफ यॉर्कटाउन। एंड कॉर्नवालिस ने इंडिया में डिस्ट्रिक्ट को पाइवोट रख के जो इलैबोरेट रिफॉर्म किए कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, देर आफ्टर सिविलियन साइड में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जमींदारी सेटलमेंट एंड कलेक्टर, एंड देर आफ्टर जजेस, एंड जजेस के अंडर पूरी की पूरी सिविलियन एज वेल एज क्रिमिनल अथॉरिटी देने का काम। अब हमने ये सारी चीज़ें इलैबोरेटली कवर अप करके रखी थी। कॉर्नवालिस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वॉज सर जॉन शोर। बट जॉन शोर के टाइम पीरियड में इंडिया वॉज बाय एंड लार्ज पीसफुल। जॉन शोर का टाइम पीरियड 1794 से 1798 का रहा है। हाउएवर ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा एक्टिविटी हमको इंडिया में नहीं दिखाई दी। क्यों? बिकॉज मराठाज वेर ऑन द डिक्लाइन। इफ़ यू रिमेंबर 1794 में महाजी सिंधिया डाइड। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1800 इवन नाना फडनवीस डाइड। हमने ये भी देखा था कि 1792-93 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वॉज साइन बाय मैसूर, मीन्स इवन मैसूर वॉज डिफीटेड। एंड बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम 1794 आते आते अवध, बंगाल, मुगल सारे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुके थे। एंड दैट्स व्हाई जॉन शोर, हु वॉज ऑलरेडी अ पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ही डिड नॉट अंडरटेक एनी पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वॉज ऑब्वियसली लॉर्ड वेलेस्ली। अगेन लॉर्ड वेलेस्ली को इंडिया में 1798 में भेजा हुआ था। इनको क्यों भेजा था वो भी हमने पहले कवर अप किया था कि ही वॉज सेंट इन टू आवर कंट्री प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द नेपोलियनिक इन्वेजन्स। इस पीरियड ऑफ टाइम में टीपू सुल्तान वॉज इन इलैबोरेट कॉन्टैक्ट विद नेपोलियन एंड देर वॉज एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ नेपोलियंस अटैक ऑन इंडिया। इनफैक्ट इसके करस्पॉन्डेंस हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने पहले वाले लेक्चर में एंग्लो मैसूर वॉरफेयर में कवर अप भी किए थे। वेलेस्ली अल्टीमेटली अराइड इन आवर कंट्री इन 1798। ही प्रिपेयर्ड अ चार्ज शीट एंड ए चार्ज शीट में टीपू सुल्तान के ऊपर एलिगेशन रखा गया था कि ही इज़ कोल्यूडिंग विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्सप्लेन और बी प्रिपेयर फॉर द वॉरफेयर। वन टीपू सुल्तान कुड नॉट एक्सप्लेन, तब जाके एक इलैबोरेट वॉरफेयर हमको होता हुआ दिखाई दिया है। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने छोटे भाई दैट इज़ आर्थर वेलेस्ली, जिनके ऊपर भी हमने इलैबोरेटली अब पढ़ा हुआ है, उनको मैसूर में भेजा। एंड देयर आफ्टर फिर कंसिक्वेंट बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, जिसमें टीपू सुल्तान का डेथ। हाउएवर लॉर्ड वेलेस्ली काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी पहले से ही रहे हैं। आफ्टर ही अराइड इन आवर कंट्री इन 1798, ही वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि यूरोपियंस के लिए इंडिया हैज़ बिन क्लोज नाउ, एंड इन दैट कैपेसिटी इंडिया के कोई भी रूलर कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं चाहिए कि दे आर फॉर्जिंग एन अलायंस विद अ यूरोपियन एंटिटी इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल रहेगा, ब्रिटिशर्स का रूल परपेचुएट होना चाहिए, उसी के ऊपर तो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन था। एंड दैट्स वाई फॉरवर्ड पॉलिसी में रॉड वेलेस्ली ने काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पर डेवलपमेंट करने चालू किए। इनफैक्ट ही वॉज द पर्सनैलिटी जिन्होंने मैसूर का थ्रेड भी इफेक्टिवली हैंडल किया 1799 में। एंडर आफ्टर 1802 से लेके 1806 के बीच में जो एंग्लो मराठा वॉरफेयर थे वो भी इन्होंने ही चालू किए थे। इन्हीं की बनाई सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी थी, इट वॉज साइन बाय पेशवा बाजीराव द सेकेंड इन 1802। एंड तब जाके फिर एंग्लो मराठा वॉरफेयर, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर में कैसे एक एक करके मराठाज जो है वो ताश के पत्तों की तरह बह गए, एक्सेप्ट होलकर। होलकर सर ऑल्सो लेटर ऑन डिफीटेड इन 1818। बट इन एनी वेज, ये फॉरवर्ड पॉलिसी जो लॉर्ड वेलेस्ली की थी उसका सबसे सिग्निफिकेंट एंगल अगर कोई रहेगा तो इट वॉज ऑलवेज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी इज़ वेरी श्रूड ट्रीटी, वी कैन से।
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अब हमने पहले से ही देखा है, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ दिस पीपल वेर श्रूड इनफ टू यूटिलाइज इंटरनल राइवलरीज ऑफ इंडियन रूलर अगेंस्ट इंडियन रूलर देमसेल्फ, एंड यही डिप्लोमेसी का एपिटोम है सब्सिडरी अलायंस। इनफैक्ट रिचर्ड वेलेस्ली वंस ही अराइव इनटू आवर कंट्री, तो अराइव होने के बाद उन्होंने इंडिया की जितने भी डिप्लोमेटिक प्रोविजंस ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको मिला के ये ट्रीटी बनी हुई थी। ये ट्रीटी के 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर इट इन दैट वे ओनली। सबसे पहले एक इंडियन रूलर जो है ही हैज़ टू डिसअबैंडन हिज आर्मी, उसको अपनी आर्मी निकालनी है। क्यों निकालनी है? बिकॉज ना उसका प्रोटेक्शन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी करेगी, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अगर आपके पास है तो आपको आपके आर्मी की ज़रूरत नहीं है। वाई आर यू कैरिंग आउट डबल एक्सपेंडिचर? तो यू डिसअबैंडन योर आर्मी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको प्रोटेक्शन देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, इन रिटर्न ऑफ दिस प्रोटेक्शन आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ेगी सब्सिडी। वॉट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी? इट कैन बी इधर इन कैश पेमेंट और इट कैन बी इधर इन फॉर्म ऑफ द टेरेटरी। इफ़ यू कैन अफोर्ड कैश डन कैश दे दो, अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप टेरेटरी भी दे सकते हो। देर आफ्टर थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यू कैन नॉट मेंटेन एनी फॉरन रिलेशन। आपको फॉरन रिलेशन मेंटेन नहीं रखने हैं, एंड फॉरन रिलेशन मतलब सिर्फ ओवरसीज ही नहीं तो विथ इन इंडिया भी दूसरे किंग के साथ आप रिलेशन नहीं मेंटेन रखोगे। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली वंस यू मेंटेन अ फॉरन रिलेशन यू विल एंटेंगल यूर सेल्फ मिलिट्री वाइज विथ एनी अदर टेरिटरी, एंड आपका प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डज नॉट वॉन्ट यू टू एंटेंगल यूर सेल्फ इन टू एनी अदर कंट्री, एंड फॉर दैट पर्पज़ आपको फॉरन रिलेशन नहीं रखना है। एंड इनकेस रखने हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के साथ अब रखने हैं। देर आफ्टर नो फॉरन एम्प्लॉयमेंट। नो फॉरन एम्प्लॉयमेंट मतलब क्यों? तो लॉर्ड वेलेस्ली हैड ऑलवेज सीन कि इंडिया में मराठाज है एंड देर आफ्टर इवन मैसूर है, दे वर मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट विद द यूरोपियन मोनार्क, प्रिसाइसली फ्रेंच मोनार्क वाई अ यूरोपियन एम्प्लॉयर। यूरोपियन एम्प्लॉयज़ उन्होंने अपने अंडर लेके रखे, नॉट एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉयज़, एंड ये यूरोपियन एम्प्लॉयज़ जो उन्होंने रखे उसी की वजह से टू टीपू सुल्तान एंड देर आफ्टर इवन नाना साहेब पेशवा कुड सेंड देयर मिशन टू फ्रेंच किंग। हमने डार्विच खान कमीशन पहले भी देखा हुआ है, तो दैट्स वाई वो कट ऑफ कर दो लिंक जो है इन बिटवीन यूरोपियन मोनार्क एंड इंडियन रूलर, कि वो यूरोपियन एम्प्लॉय रहेगा आपके पास तो वो कहीं ना कहीं तो यूरोपियन मोनार्क के साथ इंडिया के रूलर का कॉन्टैक्ट करवा सकता है। तो नो फॉरन एम्प्लॉयमेंट। एंड अल्टीमेटली ऑन टॉप ऑफ इट लास्ट प्रोविजन जो है सबसे लीथल प्रोविजन, इन ऑर्डर टू मैनेज दिस पर्टिकुलर प्रोविजन एक ब्रिटिश रेसिडेंट आपके कोर्ट में आके रहेगा। नाउ अगेन क्वाइट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कि ब्रिटिश रेसिडेंट जैसे आपके कोर्ट में आके रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि ये सारे अरेंजमेंट फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे उसके लिए वो रेसिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा। फॉर इंडियन रूलर इट वॉज अ विन विन सिचुएशन प्राइमा फेसिया। इंडियन रूलर को लगा कि भाई अपनी आर्मी तो वैसे भी काम नहीं कर रही है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि एक वेल ट्रेंड ब्रिटिश आर्मी हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी, तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है तो ऑब्वियसली इसके वजह से कोई और इंडिया का किंग हमको हाथ नहीं लगा पाएगा। बट वॉट दे हैव फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट कि उनको हाथ लगाने वाली एंटिटी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही होने वाली है। इट इज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिनके अंडर अब ये पूरा का पूरा इंडियन रूलर आ चुका था। बिकॉज द मोमेंट यू सरेंडर योर आर्मी आपका जो एंटायर एम्पायर का बेस है दैट इज़ आर्म फोर्सेस वही आपने गिव अप कर दिया, तो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल एनी थ्रेट दैट कैन अराइव फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? वो वाली थ्रेट तो आप टैकल ही नहीं कर पाओगे। एंड हुआ भी वही कि धीरे धीरे करके जैसे इंडिया के रूलर्स को ये पता चला कि भाई यहाँ पे तो सारा का सारा पॉलिटिकल गेम हो गया है, इट वॉज टू लेट बिकॉज अब आपके पास आपकी आर्मी नहीं है टू गो अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आर्मी के अलावा अगर आपके पास कोई फॉरेन एलाइज होते तो वो भी अभी आपके पास नहीं है, बिकॉज यू हैड गिवन दैट रिटन एग्रीमेंट कि नो फॉरेन कॉन्टैक्ट, एंड फॉरेन एम्प्लॉय भी आपके पास नहीं है कि जिसके थ्रू यू कैन एस्टेब्लिश फर्दर कॉन्टैक्ट। एंड वर्स्ट कि अगर आप ये सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करने जाओगे तो ब्रिटिश रेसिडेंट आपके कोर्ट में क्यों बैठा है? ये इसीलिए बैठा है टू क्रिएट राइवल्स इन योर कोर्ट। अगर आप ये ट्रीटी को नहीं मानोगे देन ऑब्वियसली आपको रिप्लेस करके यहाँ पे कोई दूसरा बंदा बिठाया जाएगा। मीर जाफर के साथ वो कर चुकी थी ब्रिटिशर्स पहले ही, एंड इन दैट कैपेसिटी जो नया बंदा आएगा वो अब नया रूलर बनेगा एंड आप जो आप बेसिकली मारे जाओगे। एंड दैट्स व्हाई इंडियन रूलर्स बिकम हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड कि ये पर्टिकुलर ट्रीटी साइन रख के अपने ब्रिटिशर्स आर्मी अपने कोर्ट में ला के रख दी तो बेसिकली ये ओपन अप योर कैपिटल फॉर द ब्रिटिश आर्मी। ऑब्वियसली आप वहीं पे आपका एम्पायर हार चुके थे, वहीं पे आपका किंगडम आप हार चुके थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उनके अगेंस्ट अगर आप कुछ करने जाओगे तो ऑब्वियसली अब एक रेसिडेंट आपके कोर्ट में बैठा है जिसके हाथ में राइवल्स है, एंड आपके राइवल हमने पहले ही देखा है कि कैसे इंडिया के कोर्ट में इंडिया के राइवल्स वेर ऑलवेज मेंटेन
ये इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम, जिसकी वजह से राइवल्स आपके कोर्ट में होते थे, एंड अब यही राइवल्स का इस्तेमाल कर सकती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड दैट्स हाउ बेसिकली ए पर्टिकुलर ट्रीटी टर्नड आउट टू बी वेरी मच लीथल और अ डेथ ट्रैप फॉर इंडियन रूलर. इंडियन रूलर इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएगा. अगर निकलने की कोशिश की तो उसको मार दिया जाएगा, डिथ्रोन किया जाएगा एंड उसके जगह कोई नया रूलर बिठाया जाएगा, दैट इज़ राइवल क्लेमन टू द थ्रोन. एंड ये वाली ट्रीटी अब ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले हैदराबाद के ऊपर साइन की 1798, देर आफ्टर फिर मैसूर, जिनके ऊपर हमने देखा था कि कैसे वोडियार राजाज केम बैक टू इनटू पावर जब टीपू सुल्तान मरा, एंड वोडियार राजाज वर ऑल्सो फोर्स टू साइन दिस ट्रीटी. 1801 में ये अवध के साथ साइन हुई थी, एंड 1802 में फाइनली मराठा साइन दिस ट्रीटी. एंड देर आफ्टर तो इंडिया के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स आपको दिखाई देंगे, सारे ही प्रिंसली स्टेट ने सब्सिडी रिलायंस बायला साइन करके रखी हुई थी. द मोमेंट दिस ट्रीटी हैज बीन साइन बाय इंडियन रूलर, उसका इंडिपेंडेंस पूरा का पूरा चला गया, बिकॉज अब ब्रिटिश आर्मी उसके कोर्ट में है, उसके पास उसकी खुद की आर्मी नहीं है, उसके पास फॉरेन फ्रेंड्स नहीं है, इंडियन रूलर्स भी अब उसका कोई फ्रेंड नहीं बचा है. एंड देयर आफ्टर अगर आप इन सब ट्रीटी को तोड़ने भी जाते हो तो ऑब्वियसली ब्रिटिश रेसिडेंट आपका राइवल क्लेमेंट लेके खड़ा भी है, तो यू कैंट कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी. एंड इसके वजह से वी कैन से सब्सिडी अलायंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. एंड एज आई टोल्ड यू, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये कोई इन्वेंशन है लॉर्ड वेलेस्ली का. लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में आके जो इंडिया की डिप्लोमेसी देखी, वो डिप्लोमेसी में सारे ही प्रोविजन अवेलेबल थे. इनफैक्ट राइवल क्लेमेंट को एक दूसरे के खिलाने का काम सबसे पहले ड्यूप्लिक्स एंड रॉबर्ट क्लाई ने ही तो करवा के रखा हुआ था. इफ़ यू रिमेंबर, इट वॉज ड्यूप्लिक्स जिसने सबसे पहले हैदराबाद में मुजफ्फर जंग एंड आफ्टर फिर नासिर जंग के बीच में इंटरफियर करने के बाद जब अपना क्लेमेंट विक्टोरियस करवाया तो एक रेसिडेंट अपॉइंट किया था बस्सी. वैसे रॉबर्ट क्लाई ने भी तो यही वाली सिस्टम अल्टीमेटली कंटिन्यू रखी. रॉबर्ट क्लाई वॉज द पर्सन हु रियलाइज कि 6,000 स्ट्रॉन्ग की फोर्स जब हम लोग मुर्शिदाबाद में रखेंगे, कैपिटल ऑफ कैलकटा में रखेंगे, एंड मीर जाफर जब हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो इसके एक अनटोल्ड बेनिफिट है हमारे पास. यही तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लेटर ऑन किया अंडर रॉबर्ट सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली कि आप आपकी आर्मी गिव अप करो, हम हमारी आर्मी आपके कैपिटल में रखेंगे. तो जैसे ही आपने ब्रिटिशर्स की आर्मी आपके कैपिटल में लाई, सारी चीज़ें खत्म हो गई. वैसे ही अल्टीमेटली 1765 में हमको दिखाई देता है जो अवध के साथ ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, उसमें भी हम लोगों को ये ट्रीटीज़ दिखाई देती है कि अब अवध जो है बेसिकली उसका प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स करेंगे. इन रिटर्न अवध को 50 लाख रुपए का कैश पेमेंट देना पड़ेगा. एंड इवन अवध के ऊपर लेटर ऑन एक सेपरेट ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 में साइन करके रेसिडेंट भी थोपा गया था. तो यहाँ पे भी हम लोगों को ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के सर्टन प्रोविजन जो है दिखाई देते हैं. वैसे ही नवाब ऑफ कार्नाटिक 1787 में पहली बार हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ कार्नाटिक के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस डाल के रखे थे कि आपको कोई फॉरेन रिलेशन अब नहीं रखने हैं एक्सेप्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सिमिलर ट्रीटी जो है नवाब ऑफ अवध के साथ 1798 में जॉन शोर ने जाते जाते साइन करके रखी दी कि आपको कोई यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं देनी है. एंड विद लॉर्ड वेलेस्ली या फिर रिचर्ड वेलेस्ली, इनका एक्चुअल नाम जो रहा है, उनका यही एक डिप्लोमेटिक या फिर एक जेनियसनेस माना जाता है कि इन्होंने ये सारे प्रोविजन एक पेज के ऊपर लिख लिए और लिख के हर एक इंडिया के जो रूलर है उसके सामने फॉरवर्ड कर दिए. द मोमेंट इंडियन रूलर साइन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, इट वॉज दी एंड फॉर दैट पर्टिकुलर किंग. जैसे ही ये पर्टिकुलर प्रोविजन साइन हुआ, एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले ये हैदराबाद के साथ साइन हुई, देर आफ्टर मैसूर के साथ साइन हुई, देर आफ्टर फिर अवध के साथ साइन हुई, एंड देर आफ्टर फिर मराठास के साथ साइन हुई. तो जैसे ही एक 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 करके रूलर्स ने ये ट्रीटी साइन की, इट वॉज लाइक लॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर देम. इसमें बस यही याद रखना है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है ही वॉज द फाउंडर या फिर एस्टेब्लिशर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, बट इनको इनोवेटर नहीं कहा जाता. इनोवेटर इसीलिए नहीं कहा जाता बिकॉज ये आपकी कोई दिमाग की उपज नहीं है. दिस इज़ नॉट योर बेसिकली मिलिट्री इंजीनियर्सनेस कि आपने कहीं से सोच के प्रोविजन बनाए. दिस वेर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर कंट्री, बस इन सारे प्रोविजन को एक साथ करके इन्होंने सब्सिडरी अलायंस उसको नाम दे के रखा हुआ है. तो प्रिलेंस में अगर आता है कि भाई ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस किसने बनाई है, तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही बनाई हुई है, ये याद रखोगे. गलती से भी डुप्लिक्स के नाम पर आप टिक नहीं करोगे. ये मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली वॉज नेवर अ रियल फाउंडर ऑफ द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस फुल स्टॉप एक्सप्लेन. तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि भाई वो प्रोविजन क्या है एंड वो प्रोविजन इंडिया में पहले ही कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है. तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे याद रखोगे. अल्टीमेटली इसका अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो कंपनी के लिए तो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन. सबसे पहले कंपनी को तो ये ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स थी. ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है कि अपने अपोजिशन कैंप के कैपिटल में आपकी आर्मी घुसा दी.
ब्रिटिश आर्मी अगर आपके कैपिटल में बैठी हुई है तो आपका एरिया वैसे भी ब्रिटिशर्स के सबसर्वियंट हो ही चुका है। और ऐसा तो है नहीं ना कि इंडियन रूलर्स को ये बात समझी नहीं, उनको फटाक से समझ में आ गई, बट बाय दैट टाइम इट वॉज टू लेट। आपके पास आपकी आर्मी नहीं है एंड राइवल क्लेमेंट रेडी है आपका पोजिशन लेने के लिए, अगर आप कोई गद्दारी या फिर आप बेसिकली कोई यहाँ पे एक मिलिट्री एडवेंचर करने की कोशिश करोगे। देर आफ्टर ब्रिटिशर्स कुड मेंटेन लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन रूलर। इंडियन रूलर पैसे दे रहे हैं ब्रिटिश आर्मी को एंड ब्रिटिश आर्मी अपना रिक्रूटमेंट कैरी आउट कर रही है, तो ऑब्वियसली इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके वजह से इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इंडियन स्टेट भी मिल गया। अब इंडियन स्टेट सबसर्वियन बन चुका था, अब राजा बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसकी आर्मी उसकी नहीं है, उसका कोड भी अब बाय एंड लार्ज रेसिडेंट के हाथ में जा चुका है, वो करेगा क्या? उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हर जगह पे माननी ही पड़ेगी एंड दैट्स अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर अब इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ रूलर आ गया। ये हमने पहले भी देखा था कि हमने जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्रिएट करी कि उसमें अनेक्सेशन ऑफ मराठाज हो सकता है या फिर पेशवा, अनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो सकता है, एंड इवन अनेक्सेशन ऑफ अवध, इसमें ब्रिटिशर्स को एथिकली क्रिटिसाइज भी किया गया था बिकॉज दिस एरियाज हैड ऑलरेडी साइन सब्सिडरी अलायंस विथ यू। तो जब इन्होंने आपके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किए हुए हैं तो वाई आर यू कैरिंग आउट देयर अनेक्सेशन, दे आर ऑलरेडी सबसर्वियन टू यू, आपको अनेक्सेशन कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो सब्सर्वियननेस का एंगल कहाँ से आया? तो यही से आया, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस की वजह से आया। एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके ऊपर हमेशा से फ्रेंच का एंड आफ्टर जर्मनी का खतरा रहा है, वो एलिमिनेशन ऑफ द थ्रेड भी हमको दिखाई देता है कि थ्रू आउट 18th सेंचुरी एंड मिड 19th सेंचुरी तक फ्रेंच वेयर ट्राइंग टू एंटर इन टू आवर कंट्री, देर आफ्टर रशियंस वेयर ट्राइंग टू एंटर इन आवर कंट्री एंड देर आफ्टर जर्मन्स वेयर ट्राइंग टू एंटर इन आवर कंट्री, बट इंडिया का कोई भी रूलर उसको अब अलाउड ही नहीं था फॉरन रिलेशन मेंटेन रखना, एंड दैट्स वाई इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद इंडियन रूलर। एंड दैट्स वाई वंस एंड फॉर ऑल जो रिकरेंट थ्रेट थी कंपनी के लिए कि इंडिया के रूलर को यूरोपियन मोनार्क की हेल्प मिलेगी एंड दैट हेल्प कैन बेसिकली प्रूव आउट टू बी लीथल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो एंगल चला गया। तो जो एक्सटर्नल थ्रेट थे कंपनी के, ये एक्सटर्नल थ्रेट अब क्या हो गए? बाय एंड लार्ज खत्म हो गए। बट एट द सेम टाइम इंडिया के रूलर के लिए इट वॉज अ डेथ बेल। इनफैक्ट सर विलियम थॉमस मुनरो के ऊपर भी लेटर ऑन पढ़ना है हम लोगों को कि वॉज एन इनोवेटर ऑफ रयतवादी सेटलमेंट, और इन्होंने 1820 में एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ मद्रास प्रोविंस ये रयतवादी सेटलमेंट पूरे मद्रास के ऊपर लगा के भी रखी थी। तो उनका कहना था कि अ स्टेट परचेज सिक्योरिटी बाय सेक्रीफाइस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड ऑफ वॉट एवर रेंडर्स अ पीपल रिस्पेक्टेबल, कि अपने सिक्योरिटी परचेस कर ली, मतलब इंडिया के हर एक रूलर ने सिक्योरिटी परचेस कर ली, बट क्या खोया आपने? अपने आपका नेशनल इंडिपेंडेंस खोया, आपने आपका कैरेक्टर खो दिया एंड आपकी अपनी इज्जत जो है वो भी खो दी बेसिकली। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था सब्सिडरी अलायंस का, ये वर्स्ट एंगल था। इंडिया का जो रूलर था वो गुड फेथ में इसको साइन करने गया, बट अल्टीमेटली उसके हाथ में आया क्या? आया कुछ भी नहीं, उसके हाथ में धोखा आया। ब्रिटिशर्स ने जो श्रूड पॉलिसी के हिसाब से फिर इंडिया को मैनिपुलेट करना चालू किया वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है, जिसके लेटर ऑन हमको थोड़ी बहुत बातें भी करनी है। डिटेरियोरेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, हमने ड्यूअल गवर्नमेंट में भी ये चीज़ देख के रखी थी कि कैसे जैसे ही ब्रिटिशर्स के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है देर विल बी थोरो पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। द ग्रीड एंड डिमांड ऑफ मनी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नेवर सैटिएबल, वो कभी ख़त्म होने वाली थी ही नहीं, एंड दैट्स वाई पहले तो लॉ एंड ऑर्डर भी डिटेरियोरेट हो गया एंड देयर आफ्टर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंडिया के रूलर्स के ऊपर बढ़ना चालू हुआ। इनफैक्ट दिस एंटायर सिस्टम जो है इट जस्ट लाइक बिकम अ स्क्वीज और स्पॉन्ज, अब जितना सक कर पाओगे इंडिया के रूलर से उतना आपने सक करना चालू कर दिया, एंड जैसे वो इंडिया का रूलर फिर आपके लिए कोई काम का नहीं बचा, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15-20 ईयर्स अपने धीरे धीरे आपके अनेक्सेशन जो है इंडिया के रूलर के अगेंस्ट चालू किए। इसमें सबसे सिग्निफिकेंट हम जो देखेंगे भी दैट इज लॉर्ड डलहाउजी एंड देयर आफ्टर उन्होंने बनाया हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड फाइनली वेलेस्ली के ऊपर एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है सिडनी ओवन, इन्होंने बता के रखा है कि वेलेस्ली कन्वर्टेड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ऑब्वियसली वेलेस्ली के आने के पहले ब्रिटेन के पास सिर्फ और सिर्फ अवध, मुगल सेंटर आफ्टर बंगाल वाला एरिया था। अब वेलेस्ली जब 1805 में रिटर्न चले गए तब तक इनके पास मराठास वाला एरिया भी था और तब तक इनके पास मैसूर भी आ चुका था, एंड दैट्स इट इज़ बेसिकली वेलेस्ली हु कन्वर्टेड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, कि अब ब्रिटेन का एम्पायर इंडिया में नहीं है, इंडिया ये ब्रिटिश एम्पायर है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट एज फार एज वेलेस्ली इज़ कंसर्न। एंड दैट सम्स अप द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली ऑल्सो।
आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कैसे एक लीथल सिस्टम प्रूव हुई फॉर इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स ने, एज आई टोल्ड यू, इसको गुड फेथ में साइन तो किया, बट इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इसका सारा फ़ायदा जो है, एज वी हैव डिस्कस, ब्रिटिशर्स ले गए। इंडिया के रूलर्स के लिए एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए इट अल्टीमेटली प्रूव आउट टू बी वेरी मच लीथल सिस्टम। एंड दैट सम्स अप टुडेज सेशन। अगेन गाइस, आगे बढ़ने से पहले या फिर ख़त्म करने से पहले, द लास्ट बैच ऑफ 2024 है ये, एंड इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्च एनी अदर बैच फॉर 2024। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 या फिर इवन 2025, 2024 है तो भाई लास्ट बैच है, 2025 है तो भाई अर्ली बैच है समझ लो, बट ज्वाइन कर लेना। जितने जल्दी आप प्रिपेयर करोगे या फिर एज सून एज यू कैन, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने ही वाला है। आई हैव माइसेल्फ स्कोर 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड इन दैट कैपेसिटी ये पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इसमें हम लोग फाउंडेशन भी कवर अप करेंगे एंड इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी है। रफली 140 to 160 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू कवर ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड इसके साथ साथ फिर 12 टेस्ट जो वो इंक्लूडेड आपको इसमें मिलेंगे। एंड ये सारा पैकेज जो है, इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट इफ़ यू यूज़ माई कोड SNLIVE। बट यहाँ पे कहने की बात है, द कोर्स हैज़ ऑलरेडी बिगन। 15 दिसंबर को ही मैंने ये चालू करके रखा हुआ है। एक रफली 27-28 दिसंबर तक मेरे 12 ओरिएंटेशन हमेशा जो हर एक बैच के पहले होते हैं उसमें वो रहेंगे, जिसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट निटी ग्रिटीज ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एन अप्रोच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल। 3 या 4 जनवरी से दिस पर्टिकुलर कोर्स विल एक्चुअली किक स्टार्ट। सो अभी भी टाइम है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, एंड अगर 2025 तो ऑब्वियसली द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट विल बी फॉर यू गाइज। तो इसको एक बार देखोगे एंड आई होप टू सी यू इन द क्लास गाइज, एंड डू यूज़ द कोड SNLIVE फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट। एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। अगेन जाने से पहले विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस PPT ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। यू कैन आस्क योर डाउट्स डायरेक्टली टू मी इफ यू आर हैविंग एनी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन, विल मीट अगेन देन टुमारो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।